पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे एक रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में क्या रहता है तुम्हारा, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, कुछ ऐसा होता है ठीक है, मान लो ऐसा होता है रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। अब मान लो इसको तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये वाली लाइन को भी थोड़ा सा मूव कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह का जो फिगर हमको मिलता है कुछ कुछ इस तरीके के से, ऐसे फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है और एक दूसरे की इक्वल होती है। ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल टू इच अदर। तो अगर ये पैरेललोग्राम वाली बात अगर हम करें, तो देखो एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली, जैसे अगर इसको मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको भी फर्दर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ आगे इस तरीके से, इसको कंटिन्यू कर देते हैं आगे इस तरीके से कंटिन्यू कर देते हैं। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे इस एंगल की बात करूँ, अगर ये एंगल एल्फा है ठीक है, तो कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे दो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनमें ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं, इनको ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो याद रखना, जैसे ए बी सी डी मैंने यहाँ पे लिखा, ए बी सी डी, तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के केस में ऐसा होता है। वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन से नहीं बनते, फिर भी मैं बताने के पर्पज से कि भाई अगर ये मान लो उसकी लेंथ है और ये मान लो इसकी ब्रेथ है, और देखो इसकी दो हाइट्स बनेंगी, हाइट दो बनती है इसकी, हमेशा याद रखना। एक तो हाइट ये बनेगी इसकी, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक बार हाइट बनेगी ये वाली। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं ना, ये भी तो हाइट मानी जाएगी, चाहे तो इसको हाइट ले लेना चाहे इसको हाइट ले लेना, दोनों ही हाइट का काम करेंगी। ठीक है, तो इसका बेसिक बस यही रहता है कि अगर मैं बोलूँ हाइट ये H1 है और इधर से हाइट देखो तो H2 है। भाई ऐसे भी तो हो सकता था कि मैं इसको ऐसे करके देखता कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे भी तो हो सकता था ना ये। तो ये ए बी सी डी है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। अब यहां से तुम देखोगे कि इसकी हाइट कितनी है, यहां से देखोगे तो हाइट कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये हाइट है इसकी, लेकिन इधर की साइड से देखोगे तो हाइट कैसे दिखाई देगी, ऐसे, ये इसकी हाइट बनेगी। ठीक है, तो दो हाइट्स होती हैं H1 H2। अगर मान लो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ बन जाती है, तो एरिया अगर हम देखें तो एरिया दोनों के अकॉर्डिंग बन सकता है, लेंथ इंटू H1 हो सकता है या ब्रेथ इंटू H2 हो सकता है, इनमें से किसी को भी हम एरिया बोल देते हैं। इसका तो कुछ खास करने को हमारे लिए रहता नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में बस नॉर्मली हमें को ये समझना है कि आमने सामने वाली साइड जो पैरेलल होती है, ऐसे लिख सकते हो कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये मान सकते हो तरीके से। ठीक है, बात करते हैं, बस यही है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइम पे बता दूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो। आगे देखते हैं थोड़ा सा गाइस, एक होता है इसमें ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो ट्रेपेजियम थोड़ा समझ लेना आप सब लोग, ट्रेपेजियम से एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे मान लो मैंने कहा ये एक लाइन मैंने ऐसे खींची और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, एक लाइन में ऐसे खींच देता हूँ और एक लाइन में ऐसे खींच देता हूँ, यानी कि याद रखो व्हेन टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टू साइड्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे जितने भी क्वाड्रिलेटरल बनते हैं उनको ट्रेपेजियम बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी इसको बोल दूं मैं, तो यहां पर पैरेलल लाइंस कौन सी है, ये पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, दीज आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं इसकी, और ए डी और बी सी जो है दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब जैसे तुम इसके और भी फिगर्स बना सकते हो चाहो तो, इस तरह का फिगर बना सकते हो ऐसे करके, इस तरह से हम इसका एक फिगर बना सकते हैं ऐसे करके, मान लो इस तरह का, ये भी इसका एक फिगर बन जाएगा। कई तरीके से हम इसके फिगर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, या ऐसा बना लो,
ऐसा जो फिगर बनेगा वो भी पैरेलल हो, ये भी ट्रेपेजियम बनेगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, दो पैरेलल हो जाएंगी, ये नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ये पैरेलल साइड्स थी और ये नॉन पैरेलल साइड्स थी। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जहां पर दो साइड्स पैरेलल मिल जाए, तो मैं दो नॉन पैरेलल, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे देखो एक चीज हमें ये समझ, जैसे ये मान लेते हैं ये इसकी हाइट होती है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। इसका एरिया भाई याद रखने वाला है, एरिया थोड़ा सा याद रख लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। जैसे मान लेते हैं अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलूं, अगर मैंने कहा इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर का है और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है, और मुझसे पूछा जाए इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत निकाल सकते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12 इंटू हाइट कितनी है इसकी 10, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 30 इंटू 10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। ठीक है भाई, सबको यहां तक समझ में आ गया।